पेट डॉग है किसी का, अग्रेसिव हो गया अचानक से, घर पे काट लिया है दो लोगों को बहुत गंदे तरीके से ना। अभी तो बंदा ही हुआ है लेकिन वो लोग डर भी रहे हैं काफी ज्यादा, और रस्सी भी उसकी लूज होती जा रही है। कहाँ पे है? अपने मेंबर्स को अटैक करना शुरू कर दिया उसने, फैमिली मेंबर्स को। हमने तो बच्चों की तरह रखा था इसको। ये है हमारा था। पहले तो बिल्कुल था, साथ में रहते थे, तो अब हाथ में नहीं लगाने दे रहा ना। दादा को काटा है, पापा को काटा है। उसने कभी नहीं किया ऐसे पहले? ना ना ना, कभी तो हम डर से फिर जा नहीं रहे हैं इसके पास। टफी बस सांस ले। खुद को इंजर कर रहे हैं, ब्लड आ रहा है। जा मतलब नहीं निकलने का, तलाक से नहीं तो कौन आने। सलाह ली थी आपने लोकल डिस्पेंसरी में, नहीं उन्होंने कहा भी इसको रैबिज हो गया है, अभी रैबिज का कोई इलाज नहीं है। वो बोला कि लास्ट में या तो इसको सूट कर दो, तो ये तो हम नहीं कर सकते सर, तो ये डॉक्टर ही बता सकता है कि करो या नहीं करो, तो ये तो तभी आपको कॉल किया फिर हमने। मार दिया मुझे। नहीं नहीं बस हो गया, बस क्यों केस तोड़ दिया इसने? ले ले ले। आपको कुछ पता है कि उसको कुछ इंजरी हुई या किसी डॉग ने काटा उसको जब वो रात पे आप छोड़ते हैं ना? जैसे रात को खुला होता है ना, तो हमें लग रहा है किसी ने इसे कुछ खिलाया है। काट दिया और तोड़ भी दिया उसने साइड का, ये तो केजी अच्छा ले गया था, नहीं तो दूसरा उसको तो पेड़ के साथ बांध दिया है ना, चेन डाल के बांध दिया है, पेड़ पूरा खा गया है पेड़ वो। ये रेबीज का कोई टेस्ट नहीं है, तो गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आपको आशंका है कि इस जानवर को रेबीज है तो इसको आप आइसोलेट कर दीजिए जहां पे वो 10 दिन में प्राकृतिक रूप से ही मर जाएगा। लेकिन ना सिर्फ ये मौत तड़प तड़प के होगी, क्योंकि जानवर ना तो खाना खा पाएगा और ना ही पानी पी पाएगा, बल्कि इसकी जिम्मेदारी ना तो पेट ओनर लेने को तैयार है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसी कोई आइसोलेशन की सुविधा है। अब या तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए हम टफी को उसकी चोट के लिए प्राथमिक उपचार देते और वापस छोड़ आते जहां पे वो औरों को काटता और फिर खुद भी पीट पीट के मारा जाता, या हम उसे एक पेनलेस डेथ दे सकते थे। और आप नहीं चाहते कि कभी आपको ये मुश्किल फैसला लेना पड़े, तो अपने पेट को हर साल रेबीज वैक्सीन लगवाते रहिए।